नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे। अब हम पढ़ेंगे जनपद पौड़ी गढ़वाल के बारे में। पौड़ी जनपद का गठन 1840 ईस्वी में हुआ। 1840 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया। यह कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। 1969 को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया था। 1992 ईस्वी में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया। पौड़ी जिले का क्षेत्रफल 5,329 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का चौथा सबसे बड़ा जिला है। पौड़ी गढ़वाल की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। कोठारी एवं चौखमदून पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी के दूधातोली के पास दुग्धताल है। ताराकुंड एवं हाथीकुंड झील पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। रमेशपुर चूनाधार प्रपात, गौरीचीट झरना, भानुमती जल स्रोत पौड़ी में स्थित है। सुम्ब निसुम्ब नामक दो पर्वत पहाड़ियाँ पौड़ी में स्थित है। उतुंग शिखर, कामदाह पर्वत, किनास पर्वत, छजौली धार और गंगवा सुई घाटी पौड़ी जनपद में स्थित है। पानी राखो आंदोलन 1988 से 89 में उफरेखाल पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए किया गया। पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार सच्चिदानंद भारती जी हैं। दूधातोली लोक विकास संस्थान उफरेखाल पौड़ी गढ़वाल में 1982 ईस्वी से है। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना में मुख्य भूमिका सच्चिदानंद भारती की थी। इनको पानी बचाने की सीख अनुपम मिश्र से मिली थी। गुज्जू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली क्षेत्र कहा जाता है। गुज्जू आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रामप्रसाद नौटियाल थे। गुज्जू आंदोलन 1942 के आसपास हुआ था। एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित रांची स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल में है। खिरसु पौड़ी गढ़वाल में प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटक स्थल है। भादो की मंगरी एवं भीमी की मंगरी जलधारा पर्यटक स्थल पौड़ी में है। दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में लंगूर व सिरगार नदी के संगम पर बसा है। दुगड्डा पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया, जिसका प्राचीन नाम नाथोपुर है। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार दुगड्डा 1930 ईस्वी में एवं दूसरी बार 1945 ईस्वी में आए थे। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत ने की थी। चंद्रशेखर आजाद जी ने भवानी सिंह रावत के साथ 1930 ईस्वी में दुगड्डा के जंगलों में 7 दिन तक पिस्टल ट्रेनिंग की थी। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा, डोला पालकी आंदोलन एवं स्वराज प्राप्ति की भावना को जगाने का श्रेय दुगड्डा नगर को जाता है। साहित्यकार शिव प्रकाश डबराल का साधना स्थल दुगड्डा नगर था। गढ़वाल का प्रवेश द्वार एवं गढ़वाल का ग्राष्टिगंज या स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कोटद्वार को कहा जाता है। 1889-90 ईस्वी में कोटद्वार रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई। 1901 ईस्वी में कोटद्वार में पहली पैसेंजर ट्रेन आई। कोटद्वार को 1901 ईस्वी में नगर का दर्जा दिया गया एवं नगर बसाने का पहला मास्टर प्लान केसी माथुर ने बनाया था। 1909 ईस्वी को कोटद्वार के लेंसडाउन में सड़क मार्ग से जोड़ा गया। 1951 में कोटद्वार को नगर पालिका बनाया गया। 2017 में कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा मिला। कोटद्वार खोह नदी के तट पर स्थित है। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में एकमात्र रेलवे स्टेशन है। कोटद्वार के समीप मोरध्वज का किला है। हनुमान जी का सिद्ध बलि मंदिर कोटद्वार में खोह नदी के तट पर स्थित है। जोसेफ कैथेड्रल चर्च और प्रसिद्ध बुद्धा पार्क कोटद्वार में स्थित है। कोटद्वार नगर निगम का नाम कण्व नगरी कोटद्वार करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पीजी कॉलेज कोटद्वार में स्थित है। कांडवा आश्रम पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ है। कांडवा आश्रम हेमकूट एवं मणिकूट पर्वतों के मध्य मालिनी नदी के तट पर स्थित है, जो गंगा की सहायक नदी है। वर्तमान में कांडवा आश्रम का नाम चौका घाट है। महाकवि कालिदास ने कांडवा आश्रम विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की और यहीं मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। महाकवि कालिदास ने कांडवाश्रम क्षेत्र को किसलय प्रदेश कहा था। कांडवाश्रम विद्यापीठ राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जाना जाता है और यहीं राजा भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम से भारत नाम पड़ा हमारे देश का। 4 नवंबर 1887 ईस्वी को गढ़वाल राइफल्स की पहली बटालियन की स्थापना लेंसडाउन में की गई। लेंसडाउन की समुद्र तल से 1706 मीटर की ऊंचाई है। 21 सितंबर 1890 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लेंसडाउन के नाम पर इस स्थान का नाम लेंसडाउन रखा गया, जबकि यहाँ का मूल नाम कालो डांडा था। गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिस लेंसडाउन में स्थित है। टिफिन टॉप एवं कालेश्वर मंदिर लेंसडाउन में है। गढ़वाली मेस दरवान सिंह नेगी एवं गब्बर सिंह नेगी स्मारक लेंसडाउन में स्थित है। मानव निर्मित भुल्ला ताल झील लेंसडाउन में एक दर्शनीय स्थल है। गढ़वाली मेस 1888 में बनी लेंसडाउन की सबसे पुरानी इमारत है। सेंट मैरिज गिरजाघर लेंसडाउन में स्थित है। इसे 1895 में ए ह्यूम द्वारा बनाया गया। लेंसडाउन में गढ़वाली रेजिमेंट युद्ध स्मारक 1923 ईस्वी में बना। देवलगढ़ में राज राजेश्वरी देवी का मंदिर है। देवलगढ़ नाम इसके संस्थापक कांगड़ा शासक देवल के नाम पर पड़ा, जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। सोम का भांडा या राजा का चबूतरा देवलगढ़ में है।
देवलगढ़ में नाथ संप्रदाय के काल भैरव का मंदिर है। भैरव गुफा श्रीनगर के देवलगढ़ में स्थित है। अजय पाल ने 1512 ईस्वी में राजधानी चांदपुरगढ़ से उठाकर देवलगढ़ में बसाई थी। पौड़ी एवं चमोली की सीमा पर दूधातोली श्रेणी पर बसा बिनसर महादेव का प्राचीन मंदिर है। तालेश्वर दानपात्रों में इस देवस्थल को वीरणेश्वर स्वामी कहा गया है। तारकेश्वर मंदिर, कोट मंदिर, एकेश्वर महादेव, ट्यूंकालेश्वर मंदिर, ज्वालबा देवी का मंदिर, कंडियोली देवता, राहु देवता, डांडा नागराजा मंदिर, भटपुटी देवी मंदिर, सिद्धबली मंदिर आदि पौड़ी जनपद के प्रसिद्ध मंदिर है। मकर संक्रांति के अवसर पर गेंदा कौथिक या मेला पौड़ी में एकेश्वर, डांडा मंडी, थलनाड़ी आदि स्थानों पर लगता है। सात खून माफ नामक खेल गिंदी मेले को कहा जाता है। दगनल मेला, कांडा का मेला, सिद्धबली मेला, मुंडेश्वर मेला, भैरवगढ़ी का मेला, डाडा नागराज मेला, भुवनेश्वरी देवी मेला, नीलकंठ का मेला, ताड़केश्वर महादेव मेला, ज्वालंपा मेला, एकेश्वर मेला, मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव एवं गवाऊ रस्सी महोत्सव आदि पौड़ी में प्रसिद्ध मेले हैं। मंसार मेला पौड़ी में कोट के पास सीतोनस्यू पट्टी में लगता है। मान्यता यह है कि यहाँ सीता माता धरती में समाई थी। उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में हुआ। इसका मुख्यालय पौड़ी में है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में भरसार पौड़ी में की गई। 2015 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम जोड़ा गया। गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी पौड़ी में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिकल्स कोटद्वार पौड़ी में है। श्रीनगर का पुराना नाम ब्रह्म क्षेत्र श्री क्षेत्र है, जो अलकनंदा नदी पर तट पर है। कनिंगम के अनुसार 1358 ईस्वी में श्रीनगर की स्थापना हुई। 1517 ईस्वी में अजय पाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर बनाई। 1894 में गौना झील के टूटने से श्रीनगर को बहुत क्षति पहुंची थी। वर्तमान श्रीनगर बसाने का मास्टर प्लान ई पौ ने किया था। श्रीनगर में त्रियंत नामक शिला एवं कमलेश्वर मंदिर स्थित है। धारी देवी का मंदिर श्रीनगर के कालियासौड़ में अलकनंदा नदी पर बने बांध के बीचों बीच बना है। गोरखनाथ गुफा श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। संकरमठ श्रीनगर का निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। ग्वाला बाजार श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। नवंबर 1995 ईस्वी में श्रीनगर त्रियंत टापू में गोलीबारी में यशोधर बेंजवाल एवं राजेश रावत जी शहीद हुए थे। 1973 ईस्वी में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में की गई। 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया। इस विद्यालय को 15 जनवरी 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT की स्थापना 2009 में श्रीनगर के सुमाड़ी में की गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना 7 जुलाई 2008 को श्रीनगर में की गई थी। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। राज्य कर भवन श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। मोलाराम चित्र संग्रहालय प्राविधिकी शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में स्थित है। हिमालय पुरातत्व एवं नवमंशीय संग्रहालय की स्थापना 1980 में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में की गई थी। देवप्रयाग को पुल के माध्यम से दिसंबर 2001 में पौड़ी से जोड़ा गया। 1933 में ऊटी बैंक लूट का नेतृत्व बच्चू लाल भट्ट ने किया। इसका उपनाम गढ़वाली है। पौड़ी के पर्वतीय भागों में राठी नामक जनजाति रहती है। मल्ला, सलाण, परगना और सावली पट्टी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। 1914 को एकता सम्मेलन दुगड्डा में हुआ था। पंचवैया खाल पौड़ी में पांच भाइयों की स्मारक है। पौड़ी में अमन सभा का गठन 1930 ईस्वी में हुआ। डांडा मंडी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत उमराव सिंह रावत थे। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी जी का संबंध पौड़ी गढ़वाल से था। राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र दुगडग्गा में प्रकाशित होता है। सिटकुल द्वारा कोटद्वार में सिगडी ग्रोथ सेंटर औद्योगिक स्थान का विकास किया गया। 2020 में पौड़ी में ल्वाली झील बनाने का शिलान्यास किया गया। विचित्र बेला नामक वाद्य यंत्र के निर्माता धरणीधर चंदोला का संबंध पौड़ी से है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनपद पिथौरागढ़ के बारे में। और तब तक के लिए